Hello guys, welcome to my YouTube channel. And in this tutorial of MySQL, we will see order by in MySQL. So पहले हम लोग यहाँ पे order by का syntax देखेंगे. तो यहाँ पे syntax select star from आपका table name, जिस table में से आप data fetch करना चाहते हो वो, उसके बाद आएगा order by का clause और उसके बाद आएगा आपका column name. आप किस column name में आप लोग वहाँ पे order by clause use करने वाले हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्डर बाय क्यों यूज़ किया जाता है. सपोज आपके किसी टेबल में या फिर किसी कॉलम में आपका, सपोज यहाँ पे 1001, 1005, 1008 एंड 1002 है, लेकिन आपको किसी कंपनी में कहा गया कि ये सब आप एक प्रॉपर अलाइनमेंट में लगाओ, या लाइक 1001 उसके बाद 1002 उसके बाद 1005 एंड उसके बाद 1008. सपोज इसे आप किसी नंबर को या फिर कुछ किसी स्ट्रिंग को अल्फ़ाबेटिकली लगाना चाहते हो तो ऑर्डर बाय यूज़ किया जाता है. ये था इंटीजर का. सपोज़ किसी स्ट्रिंग में यहाँ पे ए डी बी सी या फिर कुछ भी आ रहा है, लेकिन आप लोगों को उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो आप यहाँ पे ऑर्डर बाय यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे सिर्फ ए बी डी सी मैंने लिया है, लेकिन सपोज़ किसी स्ट्रिंग में ए ए रिपीट कैलकुलेट हो गया. सपोज़ हर एक जो दो स्ट्रिंग है वहाँ पे हर एक लेटर ए से स्टार्ट हो रहा है, और वहाँ पे सपोज दूसरी वाली स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रही होगी तो वो पहले आएगा, और सपोज उसके नीचे वाली सी से स्टार्ट हो गई होने वाली होगी तो वो नेक्स्ट आएगी. तो सपोज फर्स्ट कैरेक्टर अगर सेम है, सपोज एक ही स्ट्रिंग फर्स्ट लेटर से शो हो रही है, ए नाम के ऐसे बहुत सारे स्ट्रिंग्स हैं, तो वो ऑर्डर बाय ऑटोमेटिकली उसका जो भी सेकेंड अल्फ़ाबेट है उससे वो ऑर्डर बाय करने के लिए यूज़ किया जाता है. अदरवाइज अगर सेकेंड लेटर भी सेम होगा वो थर्ड लेटर लेगा. तो हम लोग यहाँ पे MySQL में करके देखते हैं एक बार. तो यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर नाम का टेबल है, तो मैं यहाँ पे करूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, वेयर वेयर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डायरेक्टली ऑर्डर बाय. आप सपोज कोई भी कॉलम नेम ले सकते हो, मैं यहाँ पे यस नेम लूँगा. यस नेम में देखो आप यहाँ पे, पहले आप यहाँ पे डेटा देखो, उसके बाद हम लोग जो भी आउटपुट आएगा वो देखेंगे. यहाँ पे यस नम में 1001 से स्टार्ट हो रहा है. एक सेकेंड, यहाँ पे मैं पहले ऑर्डर्स का टेबल निकाल लेता हूँ. यहाँ पे यस नम 1007 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद 1001 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, तो एक प्रॉपर अलाइनमेंट यहाँ पे नहीं है. लेकिन जब भी आप ऑर्डर बाय लगाओगे किसी एक कॉलम नेम को तो ऑटोमेटिकली डेटा फेच करेगा अल्फ़ाबेटिकली. ये देखो यहाँ पे आ गया 1001 1001, जितने भी 1001 आएंगे वो पहले आएंगे, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा. तो ऐसे ऑर्डर बाय वर्क करता है. सपोज यहाँ पे मुझे ओनम लगाना है, तो मैं यहाँ पे करूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर नंबर ऑर्डर बाय ओनम. यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स आएगा टेबल का नाम आपका. तो एक बार मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ यहाँ पे. तो यहाँ पे 3001, फिर 3002, फिर 3003, तो एक प्रॉपर अलाइनमेंट में आ गई है. यहाँ पे इस कॉलम में कोई स्ट्रिंग तो नहीं है, देखते हैं हम लोग किसी और टेबल में है कि नहीं. मैं यहाँ पे चेक करता हूँ. तो यहाँ पे मेरे पास सेल्स पीपल के टेबल में कुछ स्ट्रिंग दी हुए है, जैसे कि इस नेम है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे सिटी का भी एक कॉलम है. तो यहाँ पे मैं ऑर्डर बाय लगा के देखता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और सेल्स पीपल. यहाँ पे सेल्स पीपल का टेबल है, और उसके बाद मैं लगाता हूँ ऑर्डर बाय सिटी करके देखता हूँ. तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली जो भी पहला लेटर आएगा उससे वो, यहाँ पे देखो बी आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद एन एंड इसके बाद यस आएगा. तो ऐसे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर बाय डेटा आप लोगों को शो करता है. यहाँ पे सपोज मैं अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर बाय, मैं यहाँ पे यस नेम करता हूँ, तो जितने भी यस नेम है वो ऑटोमेटिकली अल्फ़ाबेटिकली स्टोर हो जाएंगे. ये देखो पहले ए का ए आएगा, फिर यम आएगा, फिर पी आएगा, फिर आर आएगा. यहाँ पे ए 2 टाइम कैलकुलेट हुआ है, एलेक्सफोर्ड ओके, या लेकिन एंट्री यहाँ पे रिपीट हो गई कैलकुलेट. तो ऐसे ऑर्डर बाय वर्क करता है. तो जब भी आप लोगों को कोई डेटा अल्फ़ाबेटिकली लगाना है तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर बाय यहाँ पे आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में देता है डेटा. लेकिन सपोज आपको डेटा असेंडिंग में नहीं चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए होगा, तो सिलेक्ट ऑर्डर फ्रॉम सेल्स पीपल ऑर्डर बाय, सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ सिटी डी ई एस सी, तो आप लोगों को यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर का एक कीवर्ड लगाना होगा, दैट इज डी ई एस सी. तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, सिटी कर लिया, तो पहले ये पहले हमारा आना चाहिए था बी, लेकिन अभी वो
ऊपर होगा और यहाँ पे यस आएगा। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर ही लेता है, लेकिन आप लोगों को कोई डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा शो करना होगा तो आप लोगों को लास्ट में डी ई एस सी लिखना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पे यस नम यूज़ करता हूँ सेल्स पीपल के टेबल में, ऑर्डर बाय यस नम डी ई एस सी, तो यहाँ पे सारा डेटा अभी 1001 से नहीं आएगा या फिर 2 से नहीं आएगा, जो भी लास्ट वैल्यू है उससे आएगा। ये देखिए यहाँ पे 7 से स्टार्ट हो गया और लास्ट में 1 तक आ गया। तो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर लेता है, लेकिन जब भी आप लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए होगा तब आप लोगों को यहाँ पे ऑर्डर बाय करके कॉलम नेम डालना पड़ेगा और उसके बाद डी ई एस सी करना पड़ेगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है यहाँ पे लाइक ऑपरेटर के ऊपर। थैंक यू।